नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई दुबई से रिलेटेड, यूएस से रिलेटेड। जी हाँ भाई, एक अच्छे टॉपिक पे हम बात करेंगे। ये मुझे लगता है कि जो अच्छी सैलरी हैं, जिनके 2,000-2,500 से ऊपर जो दुबई में लोग सैलरी कमाते हैं या कम भी कमाते होंगे, क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। तो क्रेडिट कार्ड सा समझते हो ना, क्रेडिट कार्ड या फिर बैंक से लोन, सैलरी पे लोन लेना, चेक किसी को दे देना, इस तरह की प्रॉब्लम आती है। जी हाँ, लेकिन देखिए, जो कोरोना महामारी चल रही है मार्च 2020 के बाद में, बहुत सारी कंपनियों ने वर्करों की तनख्वाह, बहुत सारे लोगों को घर बिठा दिया बिना तनख्वाह के, बहुत सारे लोगों को अपने अपने देश भेज दिया, बहुत सारे लोगों की तनख्वाह आधी कर दी। जी हाँ, लेकिन सैलरी उनकी आधी हो गई, खर्चे तो उनके वही चल रहे हैं ना। जैसे उन्होंने लोन लिया किसी बैंक से, मान लीजिए 70,000 दराम, 1,00,000 दराम, 2,00,000 दराम, इस तरह से। तो वो लोन तो उसने सैलरी के हिसाब से लिया है ना। जैसे मान लो उनकी 10,000 सैलरी महीने की है, तो उन्होंने 2,00,000-3,00,000 दराम ले लिए, तनख्वाह उनकी हो गई अचानक से 5,000 दराम। तो खर्चे तो उनके वही चल रहे हैं, किस्तें, ईएमआई तो वही आनी है, और बाकी तनख्वाह आधी हो गई। तो उस दौरान बैंक में अगर समय पे जो इंस्टॉलमेंट नहीं कटती है, बैंक में समय पे लोन का पैसा नहीं जाता है, तो उस दौरान आपके साथ क्या हो सकता है, क्या आपको समय मिलेगा, या फिर क्या आपके खिलाफ़ में लीगल एक्शन लिया जा सकता है, इससे रिलेटेड हम बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए भाई, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखिए, ताकि हर रोज़ आपको वीएस से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते। देखिए, कंपनी ने तनख्वाह आधी कर दी, खर्चे आपके वही लग रहे हैं, बैंक डिप्रेसमेंट बढ़ाने को तैयार नहीं है। वो बोलती है, जी माफ़ करें, हम इतना ही समय देंगे, हमें हमारा पैसा वापस कीजिए, जबकि आपके पास पैसा नहीं है, आप क्या करेंगे इस दौरान, आपके पास क्या आपको कोई कानूनी हेल्प मिल सकती है। जी हाँ, इससे रिलेटेड बात करेंगे। बंदे का मेरे पास कल परसों मैसेज भी आया था कि वो क्रेडिट कार्ड ले रखा था, कंपनी ने उसको इंडिया भेज दिया, उसको 6 महीने से ऊपर भी हो गया, वीज़ा उसका ख़त्म हो गया, अब क्या वो दुबई जाएगा तो उसके खिलाफ एयरपोर्ट पे उसको कार्रवाई हो सकती है। क्योंकि आपको पता है, दुबई में जो लेन देन का प्रोसेस है ना, चेक बाउंस का, ये भाई क्रिमिनल केस बनता है सीधा सीधा। इंडिया में तो चेक बाउंस का नॉर्मल तरीके से चलता है सियोल में, लेकिन उसका केस बनता है क्रिमिनल, तो एयरपोर्ट पे भी उसके दिक्कत आ सकती है। जी हाँ, इस दौरान देखिए आपको कानूनी हेल्प क्या मिलेगी भाई। देखिए, अग्रीमेंट आपने कंपनी के साथ, जो आपकी बैंक थी उसके साथ में आपने लोन ले रखा है, क्रेडिट कार्ड ले रखा है, तो आपका एक अग्रीमेंट होता है, उसमें आपको चेक भी देने होते हैं, आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होता है, चेक सिक्योरिटी वगैरह कई सिस्टम आपको देने होते हैं। जो आपकी तनख्वाह आती है, आप समय पर पैसा नहीं दे रहे हैं, या फिर आप इंडिया आ गए, घर बैठे हैं, दुबई में बैठे हैं, आपके पास पैसा नहीं है, उस दौरान बैंक कुछ हद तक आपको टाइम देगी, 4 महीने 6 महीने, उसके बाद वो एक्शन लेने स्टार्ट कर देती है। क्योंकि इंडिया में तो भाई 6 साल भी निकल जाते हैं, लेकिन दुबई में नहीं निकलते 6 महीने से ज़्यादा, तो वो आपके खिलाफ में लीगल एक्शन लेती है। तो फिर आपको प्रॉब्लम आती है भाई, आपको फिर पुलिस केस होता है, अंदर जाना पड़ता है, और जब तक पैसा नहीं दो तब तक बंदा अंदर रहेगा, तो कितनी प्रॉब्लम आ जाती है। तो इन चीज़ों में आपको कानूनी सहायता क्या मिलेगी भाई। देखिए, दुबई में कोई कानूनी सहायता नहीं है, सीधी सीधी बात यह है। कानूनी वहाँ तो अगर बैंक, आप पहली बात तो ये कि भाई बैंक कंपनी से रिक्वेस्ट कर लो, मैं जेल जा रहा हूँ, बचा लो, पैसे दे दो मुझे, आपकी जो भी तनख्वाह है बाकी है, या फिर आपका सैलरी डबल कर करवा के वहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, या फिर बैंक के पैर पड़ दो जी, बस यही ऑप्शन हो सकता है। क्योंकि आपको सीधा सीधा पता है, चेक सिक्योरिटी, पुलिस केस, या चेक से सिग्नेचर मिलान नहीं होना, या चेक स्टॉप करवा देना, सीधा सीधा 1987 आर्टिकल 3 के अनुसार 401 में दंड के भागीदार होते हो भाई, सीधी सीधी पुलिस केस बनता है, तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो बेस्ट ऑप्शन, बैंक के पास जाइए और नतमस्तक हो जाइए, जी बस आप ही हो हमें बचाने वाले, हमारे पास तनख्वाह नहीं है, ये देखो जी बैंक का स्टेटमेंट लेके जाइए, या फिर सैलरी का स्टेटमेंट लेके जाइए कंपनी का, ये देखो जी पैसा नहीं है, पैसा है कहाँ से दें, नहीं है नहीं है नहीं है, आप क्या करें। तो अगर वो आपको माफ़ कर दें, या समय माफ़ करने का मतलब पैसा माफ़ नहीं होगा, टाइम आपको थोड़ा बहुत और मिल सकता है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो बस यही, इसीलिए आपको शॉर्ट में बताना था कि भाई अगर आपकी तनख्वाह आधी है, या आप लीव सैलरी पे हैं, छुट्टी हैं वगैरह वगैरह, तो लेकिन बैंक का जो प्रोसेस है ना, वो उसी तरीके से चलेगा जिस तरीके से आपने शुरुआत किया था, इसमें आपको कंपनसेशन या फिर छूट वगैरह मिलने की कोई चांसेस नहीं होते। बस रिक्वेस्ट कर सकते हो, बैंक समय बढ़ा सकती है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। बाकी नहीं तो जो कानूनी कार्रवाई मैंने बताई है, 401 में दंड के भागीदार आप बनोगे। बस ये अपडेट शेयर करना था, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।